What is up guys, I am Bhavesh back with another interesting video. So finally, जिसका हमको बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था. समझ गया किसकी बात कर रहा हूँ मैं? नहीं समझे, रुको ज़रा. मैं बात कर रहा हूँ बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, बोले तो पबजी फाइनली iOS में आ गया है. सो फाइनली iOS डिवाइस में आ गया है. आप देख सकते हो ये है 11 और डाउनलोड कर लिया गया है. रुको जरा, ओपन हो गया. हाँ हो गया. सो देखते हैं क्या चेंजेस किया गया है पुराने वाले पबजी में और इसमें क्या क्या कुछ नया देखने को मिलता है, क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, तो सारा देखेंगे ये वीडियो में, तो बने रहिए. सो अगर मैं ऐप ओपन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्राफ्टन लिखा हुआ मिलता है, जो कि पहले टेंशन गेमिंग लिखा हुआ मिलता था. तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंजेस है. उसके बाद देखते हैं क्या आता है. सो यहाँ पे लिखा रहा है कि ये रियल वर्ल्ड गेम नहीं है, सिर्फ एक वर्चुअल गेम है, तो वर्चुअल गेम की तरह ही खेलने का. और देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ था. जो अभी मुझे मैच में नहीं जाना है. अगर मैं बात करूँ इंटरफेस की, तो इंटरफेस तो मुझे सेम ही लग रहा है, उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है. और यहाँ पे अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँगा और देखता हूँ कि कितना ग्राफिक्स में मैं खेल सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं HDR में खेल सकता हूँ, अल्ट्रा HD में खेल सकता हूँ, लेकिन अल्ट्रा HD मुझे अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा. और USD अभी तक आया नहीं है, कमिंग सून दिखा रहा है. और अगर फ्रेम रेट की बात करूँ तो एक्सट्रीम तक मैं खेल सकता हूँ, और बाकी तो सब सेम ही है. और ठीक है, ये भी सेम है. अगर कंट्रोल की बात करूँ तो देख लेते हैं कस्टमाइज करके, तो ये भी सेम ही है. कंट्रोल में भी कोई चेंजेस नहीं है. व्हीकल सेंसिटिविटी ये सब तो प्रो प्लेयर का काम है, हमारा कोई काम ही नहीं है. सो यस, अगर मैं गेम स्टार्ट करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है. रुको ज़रा रुको ज़रा रुको ज़रा रुको रुको और एक बार देख लेते हैं मैप कौन कौन से है यहाँ पे. ये रहे, यहाँ पे हम देख सकते हैं मैप एरेंगल सैनलॉग, सब सारे के मैप, सारे मैप पुराने वाले ही है. अगर इंडिया का कोई मैप देखने को मिल जाता तो बहुत मज़ा आता. एक बार खेल के देख लेते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है और क्या नया चेंज देखने को मिलता है. सो गेम स्टार्ट कर रहा हूँ. बहुत टाइम ले रहा है यार. हाँ हो गया. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. सो जैसा आपने सुना, जैसे ही हम गेम ओपन कर रहे हैं और या तो कोई गेम खेलना स्टार्ट कर रहे हैं, तब भी हमें मैसेज मिल रहा है, वार्निंग दी जा रही है कि ये एक सिमुलेशन गेम है, वर्चुअल गेम है, तो रिस्पॉन्सिबली खेलना है और एडिक्ट तो नहीं होना है, या तो फ्रिक्वेंटली हमें गेम खेलते कंटिन्यू गेम नहीं खेलना है, फ्रिक्वेंटली ब्रेक लेते रहना है. सो पहले वार्निंग नहीं दी जा रही थी, अभी वार्निंग दी जा रही है. बाकी बात करूँ मैप्स भी दिख भी सेम रहा है. और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी मैप सेम ही है. अगर बात करूँ मैं कैसा रहता है, तो ये प्लान भी वही है भाई, स्किन भी नहीं दिया हमें, ऐसा कैसे चलेगा. तो ठीक है, बाकी सब सेम ही लग रहा है. जंप लेंगे हम मिड सन में, तो चलो कूदो भाई. वहाँ एनिमी है यहाँ पर.
अरे बाबा, चिकन डिनर तो नहीं हो पाया, लेकिन देखो अभी यहाँ पे इंडियन फ्लैग जैसे होता है ट्राई कलर, वैसे लिखा गया है बिटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। सो यस, हम बोल सकते हैं हमारे लिए ही बनी है और फाइनली आईओएस में तो आ ही गई है। तो जाके डाउनलोड करिए और खेलिए, लेकिन हाँ रिस्पॉन्सिबली खेलना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू, पीस आउट।